21 अक्टूबर को वाणी समाज के वरिष्ठ स्वर्गीय जगदीश चंद्र वाणी की कोविड 19 के कारण असामयिक मौत हो गई थी, जिसके कारण समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। उक्त बातें आज उनके पगड़ी रस्म कार्यक्रम में समाज के पूर्व अध्यक्ष मनोहर लाल वाणी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर कही। वहीं उन्होंने कहा कि श्री वाणी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्य आगे बढ़ाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज निवास पर आयोजित पगड़ी रस्म कार्यक्रम में गौशाला की ओर से आदरांजलि पत्र भेंट करते हुए तरुण कुमार वाणी ने कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्य आज के समय में प्रशंसनीय है। उनकी गोमाता के प्रति समर्पण व त्याग इस उम्र में नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। स्वर्गीय जगदीश चंद्र जी वाणी एक व्यक्ति नहीं अपितु एक विचारधारा थे। आप श्री ने अपने परिवार में जीवन भर कुशल नेतृत्व किया और फिर जीवन के सभी कार्यों को करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में पूर्ण रुचि से सेवाएं दी। कार्यक्रम में उनके सहपाठी कैलाश चंद्र शर्मा ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में जब भवन निर्माण की तैयारी चल रही थी, आपने और स्वर्गीय श्री लाला राम जी के द्वारा इस कार्य को मूर्त रूप दिया गया। परिणाम स्वरूप आज से एक विशाल भवन हमारे बीच उपस्थित है। आपके परिवार में लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व एक गाय के बछड़े के मस्तक पर ओम अंकित हुआ, जो चर्चा का विषय बना और आपको और आपके परिवार को उसी समय से अपने दैनिक कार्यों में गौशाला के कार्यों को भी शामिल कर लिया गया और गौशाला में सेवा कार्य करते रहे और अंत समय तक लगे रहे। गौशाला में आपके द्वारा कई निर्माण कार्य को गति मिली और एक कुशल प्रधान गौशाला में आपके नेतृत्व में चल रहा आपका यूं अचानक चले जाना परिवार एवं गौशाला परिवार और सरस्वती मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। स्मरण रहे कि स्वर्गीय वाणी पूरे नगर में काकाजी के नाम से विख्यात थे। एक माह के अंतराल में दोनों भाइयों का कोरोना के कारण मृत्यु से पूरे समाज सहित परिवार में शोक छाया है। समाज सहित अनेक समाजजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके मोक्ष की प्रार्थना की। छत्र छाया में हमने भूमि दान करवाया और काकाजी की प्रमुखता से आज विशाल सरस्वती शिशु मंदिर आप श्री के श्री चरणों से श्री कमलों से संपन्न हुआ। वर्तमान में भी निर्माण कार्य चालू रहा। आप अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने कर्म के साथ जूझते रहे और कर्म करते रहे। पंडित कमल कसौर जी नागर के छोटे से प्रसंगी में आप जुड़े, हमारी गोपाल गौशाला के सदस्य के रूप में आप निरूपित किए हुए, जभी से सरस्वती शिशु मंदिर और गोपाल गौशाला के दोनों के कर्म में आप अग्रणी रहे। आज हमारे बीच हमारी समिति के वरिष्ठ सदस्यों में क्रमशः भद्राजी ओरवाल, आदरणीय लीलाम जी वाणी और तृतीय रूप में हमारे जगदीश काका जी हमारे बीच में नहीं है। इस रिक्तता की पूर्ति करना बहुत योग है। मैं उनके मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हे परमपिता, आप उनके अपने चरणों में अनुरक्ति दे, उनको मोक्ष दे और इन दुख की घड़ी में उनके संपूर्ण परिवार को क्षमता दे। साथ ही हम सब उपस्थित जनों को एक और सूचना दी जा रही है कि कोई भी दुर्घटना ऐसे नहीं होती है, कोई भी घटना ऐसी नहीं होती है। हमें इस कोरोना के संकट में सावधानी रखना है, स्वच्छता रखना है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए अलीराजपुर से फिरोज पठान की रिपोर्ट।